यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और खबर अब यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां पर आजकल मिट्टी का अवैध खनन का धंधा जोरों पर चल रहा है। जिस तरीके से शहर में खुलेआम मिट्टी से भरे वाहन दिखाई देते हैं, उससे तो प्रशासन और अधिकारियों और खनन माफिया के बीच सांठ गांठ का शक पैदा होता है। तहसील सदर क्षेत्र के भोला, भावलखेड़ा, धनियापुर सहित कई गांवों में इन दिनों खेतों पर खनन माफियाओं ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। सैकड़ों एकड़ जमीन पर माफिया खुलेआम खनन में लगे हुए हैं। दिन में खुलेआम माफिया खनन कर रहे हैं, जबकि कोर्ट और सरकार ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध कर रखा है। इलाके के लोगों की माने तो तमाम शिकायतें की, लेकिन उल्टा उन्हें ही धमका दिया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर अवैध खनन जो है खुलेआम चल रहा है। मिट्टी माफिया बेखौफ है और इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से खुलेआम ये अवैध खनन का गोरख धंधा चल रहा है, इससे प्रशासन के साथ में मिली भगत की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन की मिली भगत की शंका जो है यहाँ पर नजर आ रही है, जहां पर जिस तरह से शाहजहांपुर में खुलेआम अवैध रूप से खनन चल रहा है। मिट्टी खनन में जेसीबी के प्रयोग करने की जो शर्त है कि ईसी लोग प्राप्त कर लें, इन्वायरमेंट क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद जैसे भट्टे वाले हैं या जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं यहाँ जिले में, या सरकारी काम पेट्रोल के हो रहे हैं या अन्य विभागों के कई काम हो रहे हैं, उनमें ईसी जो सरकारी काम होते हैं उनमें ईसी की अनुमता नहीं, ईसी की बाध्यता नहीं, और वो लोग होते हैं जैसी मशीन प्रयोग करते हैं।